मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 8, जिसका नाम है गौरा। गौरा इनकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। गौरा का मतलब होता है एक गाय का नाम है, जिस गाय का नाम गौरा रखा हुआ है। पशु पक्षी मुख जीव होते हैं, मुख जीव अर्थात मौन, जो बोल सकते नहीं है, मगर स्नेह का भाव उन्हें भी समझ में आता है। स्नेह मतलब होता है कि प्रेम का भाव, अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। सभी जीवों में ऐसी कोई शक्ति अवश्य होती है जो उनमें स्नेह को समझने और वातावरण में घुल मिलने जाने की क्षमता का विकास करती है। ये मुख प्राणी हमें भी प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। महादेवी वर्मा के मेरा परिवार की एक सदस्या गौरा आपके लिए इस पाठ में स्वयं आई है। अब देखना यह है कि इस पाठ से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर एक गौरा नाम की जो गाय है, वह उस गाय को महादेवी वर्मा ने पाला है, तो उसके साथ कितना अनिष्ट होता है वह हम इस लेसन में देखेंगे। क्योंकि प्राणी हम पालते हैं, तो कोई भी प्राणी हम पालते हैं, जैसे हम डोगी पालें या बिल्ली पालें या गाय पालें, हम कुछ भी पालते हैं, लेकिन उनको प्रेम करना अच्छी तरह से आता है, क्योंकि वो प्रेम के भाव को समझते हैं। भले ही बोल ना सकते हों, लेकिन हमारे इस प्रेम को वो समझते हैं। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा ने भी एक गाय पाली, जिसका नाम रखा हुआ था गौरा। गौरा मेरी बहन श्यामा के घर पली हुई गाय की वय संधि तक पहुंची हुई बच्चिया थी। वय संधि अर्थात होता है कि थोड़ी सी बड़ी होने लगी थी। पहले वो बच्चिया थी, बच्चिया अर्थात वो छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अब वो क्या, वय संधि अर्थात थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी। तो वय संधि किसे कहेंगे कि थोड़ी बड़ी हो गई थी। इसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया कि वह अन्य गोत्सवों में से कुछ विशिष्ट हो गई। बोले उसे इतने प्यार और स्नेह से पाला गया कि वो और भी जो अन्य गोत्सव था, बहुत सारी जो गायें थी, गोत्सव का मतलब होता है जो बहुत सारी गायें थी, उन सब गायों से वह विशिष्ट हो गई। विशिष्ट अर्थात वो सबसे अलग थी, वह जो गाय थी गौरा वह सबसे अलग गाय थी। एक दिन मेरी बहन ने मुझसे कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कोई उपयोग हो। जो महादेवी वर्मा है उनकी बहन का नाम था श्यामा। श्यामा गाय को पालती थी, तो एक बार श्यामा ने अपनी बहन महादेवी वर्मा से कहा कि तुम बहुत सारे पशु पक्षी पालती हो, तो तुम एक गाय क्यों नहीं पाल लेती। अगर तुम गाय भी पालोगी तो उसका कुछ उपयोग भी हो सकेगा, अर्थात तुम्हें दूध जो तुम बाहर से लाती हो वो दूध भी तुम्हें लाना नहीं पड़ेगा, और जितने पशु पक्षी तुम खेलते हैं उनके साथ वह गाय भी तुम्हारे यहाँ पर रहेगी। महादेवी वर्मा उनकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुई और उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि ठीक है, मैं अब एक गाय भी पालूंगी। यहाँ पर लिखा है सुझाव का कार्यान्वित। कार्यान्वित मतलब जो निश्चित किया गया हो और उसको कार्य में बदलना। जो निश्चित किया हुआ, जो उनके मन में, महादेवी वर्मा के मन में था कि ठीक है कि मैं गाय पालूंगी, तो उन्होंने जो निश्चित किया उसको कार्य में बदल दिया, तो उसे कहेंगे कार्यान्वयन, आवश्यक हो गया। उस दिन जब दोनों बहनें बातें कर रही थी, महादेवी वर्मा और श्यामा, तो जब बातें करते करते महादेवी ने गौरा को देखा, गौरा को ध्यानपूर्वक देखा, तो वह उसको देखकर आकर्षित हो गई, अर्थात उसे देखकर वो लुभा गई कि कितनी सुंदर गाय लग रही है। पुष्ट लचीले पैर
पुष्ट लचीले पैर मतलब होता है एकदम हुष्ट-पुष्ट स्वस्थ। उसके अच्छे लग रहे थे पैर, भरे पुट्ठे, पुट्ठे अर्थात उसकी सीट, जो उसकी सीट थी वो भी खूब भरी पूरी थी, चिकनी भरी हुई पीठ, और उसकी पीठ जो थी वो भी एकदम चिकनी और एकदम स्वस्थ, एकदम मोटी ताजी देखने में लग रही थी। लंबी सुडोल गर्दन, और उसकी गर्दन भी कैसी थी, लंबी और सुडोल, सुडोल अर्थात एकदम गोल उसकी गर्दन थी, और निकलते हुए छोटे छोटे सिंग, क्योंकि वो बच्चिया में भी गिनती नहीं थी और बड़े में भी नहीं, वो धीमे धीमे बच्चिया से धीमे धीमे बड़ी हो रही थी, अर्थात वह संधि हो रही थी, तो थोड़ी थोड़ी बड़ी होना, तो उसके धीमे धीमे सिंह छोटे छोटे सिंग निकल रहे थे। उसकी भीतर की लालिमा की झलक देखते हुए कमल की दो अध खुली पंखुड़ी जैसे उसके कान, जैसे पूरा गुलाब ना खिला हो, थोड़ा सा खिला हो, तो उस प्रकार से ये गाय की जो कान थे वो भी थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियाँ जैसा दिखाई दे रहे थे। लंबी और अंतिम छोर वाले काले सदन चमार, चामर का स्मरण दिलाने वाली पूछ, जैसे उनकी जो उसकी जो पूछ थी और जो पूछ के पीछे जो बाल होते हैं वो बालों का गुच्छा, उसे हम कहेंगे चामर। क्या कहेंगे? चामर। अंतिम छोर, जैसे पूरी लंबी पूछ और जो नीचे अंतिम मतलब नीचे का जो बाल वाला जो भाग होता है उसका, उसका कितना सारा गुच्छा, बालों का गुच्छा, सब कुछ ऐसा लग रहा जैसे भगवान ने उसे किसी साँचे में डालकर हमारे यहाँ भेजा है, कि ना तो वो कहीं से पतली थी और देखने में इतनी सुंदर कि उसको देखकर ही हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। जब उसे महादेवी वर्मा ने देखा तो महादेवी वर्मा यह देखकर खुश हो गई और उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब मैं अपने घर भी गाय लेकर आऊँगी, क्योंकि वो जो गाय थी गौरा उसमें किसी प्रकार की किसी चीज़ की कमी दिखाई नहीं दे रही थी, वो बच्चिया थी और थोड़ी थोड़ी वो बड़ी हो रही थी। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जो बच्चा या जो गाय या जो बच्चिया स्वस्थ होती है उसके अपने आप उसके रंग रूप में उसके रोमों अर्थात उसके शरीर के अंदर अपने आप एक चमक दिखाई देती है, विशेष चमक अर्थात वो सबसे हटकर दिखाई देती है। गौरा की उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती है, उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके रोमों में अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो। अब महादेवी वर्मा कह रही हैं कि उसकी जो उज्ज्वलता, उज्ज्वलता अर्थात सफ़ेद, उज्ज्वल अर्थात सफ़ेद रंग की गौरा का मन, गौरा को जो भी देखता उसका मन गौरा मोह लेती थी, इतनी सुंदर दिखाई देती थी, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो उसके रोमों पर, रोमों अर्थात उसके शरीर पर अभ्रक, अभ्रक अर्थात होता है जो रोग के लिए, रोग को मिटाने के लिए एक चूर्ण होता है जो काले रंग का भी होता है और सफ़ेद रंग का होता है, तो कह रहे हैं उसके शरीर पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अभ्रक का चूर्ण मल दिया हो। अभ्रक का चूर्ण का मतलब होता है जो रोगों को मिटाने के लिए चूर्ण काम आता है, जो हम खाते हैं बेदनाथ का चूर्ण भी होता है तो जिसे हम खाते हैं, तो बोले उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे अभ्रक का चूर्ण उसके शरीर पर मल दिया गया हो, क्योंकि अभ्रक कैसा होता है, सफ़ेद भी होता और काला भी होता है। उसे देखकर जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती, जिसके कारण जो उसका जो शरीर था वो थोड़े थोड़े उसके शरीर के ऊपर काले कलर के धब्बे थे और पूरी वह गोरा अर्थात एकदम उज्ज्वल थी, इसीलिए उसका नाम गोरा रखा, गोरा का मतलब भी होता है सफ़ेद, गोरी गाय, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि जहाँ पर भी गोरा घूम जाती, जिस तरफ ये घूम जाती उसके शरीर पर आलोक पड़ता, आलोक अर्थात प्रकाश, कि उसके शरीर पर जहाँ भी प्रकाश पड़ता वो विशेष चमक उत्पन्न हो जाती, उसके शरीर की जो चमक होती वो विशेष तरह से एकदम सबसे अलग दिखाई देने लगती थी। महादेवी वर्मा ने गौरा को देखते ही उनके मन में उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब मैं गाय को पालूंगी। उनकी एक दुविधा थी, उनको एक परेशानी थी कि गाय को पालना चाहिए कि नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे ही गौरा को देखा वैसे ही उनकी दुविधा
निश्चय में बदल गई। अब उनको कोई दुविधा नहीं रही। उन्होंने सोचा कि मैं पालूँ या ना पालूँ, ऐसी दुविधा उनके मन में नहीं रही। अब उनको एकदम निश्चित हो गया कि नहीं, किसी भी तरह से मुझे गाय पालनी है। जैसे ही उस गोरा को वो अपने बंगलों पर ले गई, यानी उनका जहाँ बंगला था वहाँ पर उस गाय को लेकर गई, तो वहाँ पर उन्होंने गाय को लेकर जैसे ही पहुँची, वैसे ही उनके पास जो परिचायिका थी, जो परिचितों थे, जो परिचित मतलब जो उनको जान पहचान के लोग थे, जो परिचायिका मतलब जो उनके वहाँ पर नौकर नौकरानी थे, सभी लोगों के मन में श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी। उसे देखकर सबके मन में बहुत खुशी उत्पन्न हो गई। एकदम देखकर जिसको जैसे हम भगवान को देखते हैं तो हमारे मन में भगवान के प्रति कैसी श्रद्धा रहती है, कि कितना विश्वास होता भगवान से। उसी प्रकार से यहाँ पर जिन लोगों ने उसे देखा गाय को, सभी लोगों के मन में गौरा को देखकर श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी। सभी लोग दौड़ते दौड़ते गाय के पास आते हैं और फूलों की माला पहनाकर उसको बड़ा सा तिलक लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं तथा दिया जलाकर उसकी आरती करते हैं, और आरती करने के बाद उसे दही और पेड़ा भी खिलाते हैं तथा उसका नामकरण करते हैं। नामकरण का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जहाँ नाम ना, जैसे नवजात बालक पैदा होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता है, तो हम ज्योतिषों से ढूंढवा कर उसका नाम रखते हैं, जिसे कहते हैं नामकरण। उसी प्रकार से जब गौरा इनके यहाँ आती है, महादेवी वर्मा के यहाँ, तो सभी लोग मिलकर उसको हार माला लगा चढ़ाते हैं, उसके सिर पर तिलक लगाते हैं, उसे दही और पेड़ा खिलाते हैं। उसके बाद सभी लोग विचार करते हैं कि अब हम इसका नामकरण करेंगे, तो सभी लोगों ने मिलकर उसका नाम रखा गौरा। गौरा वास्तव में ही बहुत ही आकर्षित थी। आकर्षित मतलब बहुत ही, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी कि जो भी उसे देखता था वो उसके जाल में मोह जाता था। उसे देखकर सभी लोग उसके प्रति एकदम स्नेह का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता था। उसके चौड़े उज्ज्वल माथे, चौड़े उज्ज्वल, चौड़ा अर्थात उसका खूब बड़ा सा माथा था, और उज्ज्वल अर्थात एकदम सफ़ेद माथा था। लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आँखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती। अब नीले जल किसको कहा गया है, कि उसकी जो आँखें थी वो कैसी थी, एकदम गहराई में थी, और जो उसके लंबे सांचे में ढले हुए, एकदम गहराई में उसकी आँखें थी, जो आँखें कैसी चमकती हुई दिखाई देती थी, उसकी आँखें उसकी बर्फ की तरह चमकती हुई दिखाई देती थी। उनमें एक अनोखा सा विश्वास था। जैसे ही हम उसकी आँखों की तरफ देखते थे ऐसा लगता था कि उसे हम पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। गाय के नेत्र हिरण के समान चंचल ना होकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अब गाय का जो, गाय के जो नेत्र थे, जो उनकी आँखें थी, वो हिरण के समान चंचल ना होकर, चंचल अर्थात यहाँ वहाँ देखने वाली नहीं थी, कैसी थी, आत्मीय विश्वास से। आत्मीय अर्थात अपनापन, सबके साथ अपनापन और विश्वास से भरी हुई गौरा की आँखें थी। कुछ ही दिनों में गौरा सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। अब कह रहे हैं कि जैसे ही वो महादेवी वर्मा के घर आई तो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे अपरिचित थी ही नहीं, सबसे ऐसी परिचित हो गई, सबके साथ ऐसी घुल मिल गई कि जो पशु पक्षी थे छोटे छोटे, उनमें लघुता, लघुता अर्थात छोटे और विशालता अर्थात बड़े। तो क्योंकि जो गौरा गाय थी वो देखने में सबसे बड़ी लग रही थी, तो पशु पक्षी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतनी बड़ी ये है और हम इतने छोटे हैं। सभी लोग अपना अंतर भूल जाते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के नीचे से खेलने लगते, पक्षी उसके पीठ पर जाकर बैठ जाते, उसके माथे पर बैठ जाते, और ऐसे वो जो पशु पक्षी और गाय, जो गौरा गाय थी, ये सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर आनंद मनाते, खूब खेलते। वह सभी को आवाज़ से ही नहीं, वह जो गौरा गाय थी वो किसी की आवाज़ आए तब वो पहचानती, ऐसा नहीं था। वो उस किसी भी, कोई भी आता तो उसकी वो पैरों की आहट से ही पहचान जाती थी कि यह व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, या ये पक्षी या ये पशु यहाँ पर आ रहा है। उनके पैरों की आहट से ही उसे सब कुछ पता चल जाता था। उसे समय का इतना अधिक बोध हो गया कि मोटर के फाटक पर पहुँचते ही वो वाह वाह
की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। माधवी वर्मा कहती कि मैं जब किसी काम के लिए बाहर जाती और उस काम से जब मैं घर पर आने को होती तो कुछ दूर पर ही मेरी मोटर की आवाज़ सुनते ही वह जोर जोर से बा बा करके जोर जोर से मुझे बुलाने लगती थी। उसकी पुकारी हमें पता चल जाता था कि वो हमें देखकर हमें बुला रही है। अगर भोजन अर्थात खाने में अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो वो रंभा रंभा कर कर सारा घर सिर पर उठा लेती थी। सभी लोग जानते थे कि अब इसको भूख लगने वाली है और समय पूरा हो गया है। कभी अगर लेट लपेट हो भी जाए तो वो लेट होने पर वो जोर जोर से आवाज़ मारने लगती थी कि मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। वह हमसे मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहती थी। मानवीय स्नेह अर्थात जिस प्रकार से हम व्यक्ति जैसे हमारी माँ हमारे पास आती है या हम हमारे बच्चे को साथ में लेकर बैठते हैं तो हमारा कैसा स्नेह होता है माँ के प्रति, कैसा प्रेम होता है, तो वह भी महादेवी वर्मा और लोगों से ऐसा ही स्नेह चाहती थी। जैसे ही आप उसके पास जाओगे वैसे ही वो अपना मुंह आपके पास रख लेगी, आपके कंधे पे रख लेगी, आपको कहेगी चलो मेरे माथे पे सहारा हो। इस तरह से वह भी एक मानवीय स्नेह हमसे चाहती है। जिस प्रकार से माँ से हम प्रेम करते हैं, माँ हमसे प्रेम करती है, उसी प्रकार से यह भी महादेवी वर्मा से प्रेम करती थी। निकटता चाहने पर सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा लेती। जैसे उसके पास कोई आकर खड़ा हो जाता तो अपनी गर्दन को वह आगे कर देती कि चलो मेरी गर्दन को अब सहलाओ। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वासन भार से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। ऐसा लगता जैसे उसको जो आश्वासन मिल गया हो, जिसे आश्वासन दिया गया हो, बहुत अच्छे से ऐसे करके उसके ऊपर हाथ घुमाते हो तो कैसा लगता है, हाँ उसे खूब शांति प्राप्त होती है। तो आश्वासन अर्थात शांति मिलना उसे बहुत अच्छा लगता था कि जैसे उसके उसके सर पर हम हाथ घुमाएं तो वो अपने सर को हमारे कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। दूर जाने पर गर्दन घुमा घुमा कर देखती। जैसे हम अगर उससे दूर चले जाएं तो जैसे छोटा बच्चा कैसे हमें घुमा घुमा कर अपनी गर्दन देखता है कि मेरी माँ मुझसे दूर चली गई है, वैसे ही जो गौरा गाय थी अगर उसको पहले तो उसके सर पर जैसे हाथ घुमाए वैसे ही वो अपने कंधे पर आंखें मूंद कर लेट जाती थी। और जैसे ही हम दूर चले जाएं उससे तो हमें मुड़ मुड़ कर वो देखती थी। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु लाश दुख आकुलता आदि की अनेक छाया उसकी आंखों में तैरा करती थी। बोलती है कि जो भी अगर उसे कोई खुशी हो, कोई दुख हो, कुछ आकुलता हो, कुछ व्याकुलता हो उसके अंदर, तो उसकी आंखों में तुरंत ही हमें इस चीज़ का पता चल जाता था कि आज गौरा को कोई परेशानी है। तो हम गौरा की आंखों में देखकर ही पता चल जाता था कि आज गौरा स्वस्थ है या गौरा आज बहुत खुश है या उसकी आंखों में दुख है, क्या परेशानी है, हम उसे देखकर हमें तुरंत ही पता चल जाता था। मेरा नौकरों में से किसी को भी ढंग से दूध दोहना नहीं आता था। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जो मेरे नौकर थे उनमें से कोई भी ऐसा नौकर नहीं था कि जिसे अच्छे से दूध दोहना आ जाए। वे इस कार्य में बहुत समय लगाते थे। वो ये काम करते थे जो गौरा की गाय को दूते गौरा को दूते थे, जब दूध निकालते थे गौरा का, तो इस काम में वो बहुत ही समय लगा दिया करते थे। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था तब उसके इस गाय को करने का आग्रह किया तो हमारी समस्या का समाधान हो गया। एक बार क्या हुआ कि जो गौरा गाय इनके यहाँ नहीं थी उससे पहले एक ग्वाला इनके यहाँ दूध देने आता था, तो जब गौरा गाय आ गई तो उन्होंने उनके वहाँ से दूध लेना बंद कर दिया। तो जब उनके वहाँ से दूध लेना बंद कर दिया तो वही ग्वाला ने उनसे कहा कि अगर इन लोगों को दूध दूना नहीं आता तो मैं गाय का दूध निकाल दिया करूँ। तो यह सुनकर महादेवी वर्मा जो उनको समस्या थी कि गौरा का दूध कोई दूह नहीं पाता, तो उस जो ग्वाला ने कहा कि ठीक है मैं गौरा का दूध निकाल दिया करूँगा, तो ये समस्या का भी समाधान हो गया। अगले दिन से उसने गौरा का दूध दोहना का कार्य आरंभ कर दिया। अब ग्वाला क्या करता कि अगले ही दिन वो आया और उसने गौरा का दूध निकालना शुरू कर दिया। अब वो गौरा का दूध निकालने लगा। एक वर्ष तक वह ग्वाला वह गाय का दूध दूता रहा, जो गौरा गाय थी उसका दूध दूता रहा। उसके बाद एक साल के बाद गौरा ने
एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। वत्स अर्थात बच्चा, तो एक छोटे से बच्चे को उसने जन्म दिया। अब जो गौरा गाय थी वो खुद छोटी थी, धीमे धीमे वो इतनी बड़ी हो गई कि उसने भी एक गाय को, एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया और एक बच्चे की माता बन गई। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला सा जान पड़ता था। जो बच्चा उसका हुआ था वह गेरुओं का रंग करता था गेहूं के जैसे, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं उसी रंग का, उसे कहेंगे गेहूं के रंग, गेरुए रंग का। ऐसा लगा कोई पुतला खड़ा कर दिया, इतना सुंदर पूरे शरीर उसका गेरुए रंग का दिखाई दे रहा था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक, श्वेत अर्थात सफ़ेद, उसका जो माथा था उसके बीचों बीच एक सफ़ेद रंग का तिलक था, पान के आकार का अर्थात हम कह सकते हैं दिल के आकार का, जो दिल के आकार का उसके सर के ऊपर एक तिलक सफ़ेद रंग का बना हुआ था। और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद बलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदनी के आभूषण से अलंकृत कर दी हो। अब जो उसके पैरों के खुर खुर अर्थात नाखून, जो पैरों के जो उसके नाखून थे, जो सबसे नीचे वाला भाग होता है जो चित्र के अंदर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है उसके पैरों के नीचे, उसे कहेंगे उसके खुर। खुर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद सफ़ेद वलय ऐसे लगते, उसका जो जो खुर के ऊपर के जो थोड़ी सी हड्डी निकली होती है उसे कहेंगे सफ़ेद वलय। तो उसके जो बलय थे वो ऐसे लग रहे थे मानो कि गेहूं वाले रंग के ऊपर एक चांदनी, क्योंकि सफ़ेद रंग का था तो चांदनी के आभूषणों से, आभूषणों अर्थात गहना, अलंकृत करना अर्थात उसको सुशोभित करना, उसको चांदी के आभूषणों से उसे सुशोभित कर दिया, उसे सजा दिया। अलंकृत मतलब सजा देना, कि उसे सजा दिया हो। गौरा प्रतिदिन 12 शेर दूध देती थी। गौरा प्रतिदिन रोज के समय 12 लीटर 12 शेर दूध दिया करती थी। अतः लाल मणि के दूध पीने के बाद इतना अधिक दूध बचता था कि कुत्ते बिल्ली तक को दूध मिलता था। दूध दोहने के समय वे एक पंक्ति बनाकर बैठ जाते। अब जो गौरा गाय थी वह एक बच्चे की माता भी बन गई थी। अब वो गौरा अपने बच्चे को दूध पिलाती थी जिसका नाम रखा था लाल मणि। क्या नाम रखा था? लाल मणि। वो गेहूए रंग का था इसलिए उसका नाम लाल मणि रखा गया था। तो लाल मणि को दूध पिलाने के बावजूद भी इतना सारा दूध बचता था कि उसके जो महादेवी वर्मा के यहाँ कुत्ता बिल्ली वगैरह जो पशु पक्षी थे सभी को दूध मिलता था, और सभी को दूध पीने के बावजूद भी दूध बचा करता था। दूध पीने के लिए जब गौरा को दूध दुहने के लिए आते थे तो दूध पीने के लिए सभी लोग एक पंक्ति में बैठ जाते। एक पंक्ति का अर्थ होता एक ही लाइन में बैठ जाना, सभी बच्चे एक ही लाइन में बैठ जाते थे दूध पीने के लिए। महादेव उनके लिए निश्चित किए गए पात्रों में नाप कर दूध डालता। महादेव अर्थात जो उनके वहाँ काम करता था वह व्यक्ति का नाम था महादेव। तो महादेव क्या करता था कि सबका अलग अलग पात्र था तो बर्तन, कि अलग अलग बर्तन थे सबके बर्तनों में वो अलग अलग दूध माप कर डाल दिया करता था, जिसे पीने के उपरांत अपने अपने स्वरों में कृतज्ञता अर्थात होता आभार। तो सब लोग जब दूध पी के पेट भर जाता था तो सभी लोग गौरा गाय का आभार व्यक्त करने के लिए गौरा के चारों ओर घूमने लगते, चारों ओर उछलने कूदने लगते। क्या उनका पेट भर गया? जैसे छोटे बच्चे का पेट भर जाए तो वो खेलने लगता है, उसी प्रकार से यहाँ जब पशु पक्षी का गौरा की गाय से दूध भर जाए, पेट भर जाता, तो वो सब लोग अपना आभार व्यक्त किया, अच्छा हुआ तुमने हमें दूध पिलाया। तो धन्यवाद देने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए वे उनके चारों ओर घूमने लगते थे। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना खाना बहुत कम कर दिया और उत्तरोत्तर दुर्लभ और शिथिल रहने लगी। मैंने अपने पशु चिकित्सक को दिखाया। अब क्या हुआ कि 2-3 महीनों के बाद गौरा अपने आप खाना उसने कम कर दिया, जो गौरा गाय थी उसने खाना पीना कम कर दिया, अर्थात चारा वारा जो उसे दिया था, चारा दाना दिया जाता था
वह भी उसने उसे कम कर दिया। और उत्तरोत्तर अर्थात समय निकलने पर धीमे धीमे, उत्तरोत्तर अर्थात धीमे धीमे वह गाय दुर्बल, दुर्बल अर्थात कमज़ोर, और शिथिल अर्थात एकदम एकदम ऐसी थकी हारी लगने लगी, एकदम थका हुआ मादा हुआ व्यक्ति, थका मादा, शिथिल अर्थात थकी हुई लगने लगी। धीमे धीमे वो कमज़ोर और थकी हुई सी लगने लगी। जो महादेवी वर्मा ने यह देखा तो उन्होंने अनेक पशु चिकित्सक अर्थात जो पशु के डॉक्टर होते हैं उन्हें दिखाया, निरीक्षण करवाया, देखभाल करवाई, उसका एक्सरे करवाया आदि के द्वारा भी वे रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि गौरा के शरीर में एक सुई चली गई है जो उसके रक्त संचार के साथ उसके हृदय तक पहुंच गई है। जब देखा कि गाय ऐसी परेशान है तो महादेवी वर्मा ने बहुत सारे जो पशु के डॉक्टर होते हैं उन्हें दिखाया, तो उनसे एक्सरे करवाया गया, उसकी देखभाल करवाई, उसे दवा दिलाई गई। तो जब अंत में सब कुछ देखने के बाद पता चला कि गौरा गाय के शरीर में एक सुई चली गई है और वो सुई धीमे धीमे कहाँ पहुँच गई है, उसके हृदय तक पहुँच गई है। अब सुई हृदय के पार हो जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि अगर जो सुई उसके हृदय में पहुँच गई है, अगर वह सुई उसके हृदय के पार हो जाएगी तो गौरा की मृत्यु निश्चित है, गौरा मर जाएगी, गौरा जीवित नहीं रहेगी। दाना खाना तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है कि उसी में सुई चली गई हो। महादेव वर्मा कहती हैं कि वैसे तो हम सब कुछ जब भी दाना या चारा कुछ भी डालते हैं तो हम देखभाल के ही डालते हैं, कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि कभी हमारे हाथों से चूक हो गई हो और वह सुई साथ खाने पीने में ही चली गई होगी। दिन प्रतिदिन गौरा की दशा शोचनीय होती रही, शोचनीय अर्थात सब लोग सोच में पड़ गए कि गौरा को आखिर हुआ क्या है, गौरा की सुई कैसे निकलेगी। सभी लोग सोच विचार करने लगे, सभी लोग दुखी होने लगे। वह याद करके आज भी मन सियर उठता है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब ऐसा गौरा के साथ हुआ था वो आज भी मैं अगर याद कर लेती हूँ तो मेरा मन एकदम दुखी दुखी सिहर मतलब दुखी हो उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेव का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जमने से उसके चुभने की संभावना कम हो जाएगी। तो सभी लोगों, सभी डॉक्टरों ने कहा कि अगर ऐसा है, तुम गौरा को बचाना चाहती हो तो तुम एक काम कर सकती हो, तुम सेव जो एप्पल कहते हैं हम, उसका अगर आप रस पिलाओगी तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम की मात्रा उसको जब ज़्यादा रस पिलाया जाएगा तो जो कैल्शियम है वो सुई के ऊपर जाकर जम जाएगा, जिससे सुई अगर उसे चुभ भी रही होगी गाय को कहीं पर, गौरा गाय को, तो वह चुभना बंद हो जाएगी या फिर कम हो जाएगा। तो गौरा गाय को कितना कितना कई कई बार सेवों का रस, बहुत बहुत किलो उसके सेवों का रस पिलाया जाता था। ताकत के लिए उसे इंजेक्शन लगाए जाते थे तथा मोटे इंजेक्शन भी उसे शल्यक्रिया मतलब उसे बहुत ज़्यादा चुभते थे और बहुत ही दुखदाई भी होते थे। अब गौरा उठ भी नहीं पाती थी, इतनी कमज़ोर हो गई, इतनी शिथिल हो गई थी कि गौरा में उठने की भी ताकत नहीं थी। पास बैठने पर वह अपना मुंह मेरे कंधे पर रख लेती। बेचारे लालमणि को तो अपनी माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का भी तो बोध भी नहीं था। वह कह रही हैं कि जैसे ही महादेवी कहती कि मैं जब उसके पास जाती, उसके सर पर हाथ घुमाती तो वह अपना मुंह मेरे कंधे पर रखकर और ऐसे लेट जाती। जब महादेवी वर्मा ये देखती तो उसके सर पर हाथ घुमाने लगती और महादेवी वर्मा एकदम दुखी हो जाती है। दुखी होकर सोचने लगती कि बेचारे जो लालमणि को अभी 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 जो जन्म दिया है लालमणि को, उसे तो अपनी माँ की व्याधि अर्थात पीड़ा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो बच्चा इतना नादान है कि उसको अपनी माँ की इस पीड़ा के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता और आसन्न मृत्यु का भी बोध नहीं है। आसन्न अर्थात पास आया हुआ, मृत्यु जो उनके पास आ गई है उस चीज़ का भी उस लालमणि को तो पता भी नहीं है, क्योंकि लालमणि बहुत छोटा बच्चा है। मजबूरी बस उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता जो उसे रुचता नहीं था, वह अपनी माँ का दूध पीना चाहता था। बोलते हैं कि जो बच्चा था, जो लालमणि था, जो उसका पुत्र था गौरा गाय का,
तो उसे तो यह पता भी नहीं था कि मेरी माँ की अचानक मृत्यु होने वाली है या मेरी माँ की मृत्यु नज़दीक आ रही है। मेरी माँ को इतनी पीड़ा हो रही है क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसे इसका ज्ञान भी नहीं था। तो मजबूरी इतनी तो हो गई कि महादेवी ने कहा कि दूसरी गाय का लाल मणि को दूध पिलाया जाता था, लेकिन दूसरी गाय का दूध पिलाने पर वह लाल मणि को दूसरी गाय का दूध अच्छा नहीं लगता था, वह अपनी माँ का दूध ही पीना चाहता था। अपनी माँ का सानिध्य, सानिध्य का मतलब होता है अपनी माँ के पास आना चाहता, अपनी माँ का प्रेम चाहता था। वह गौरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार मार कर उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद करके उसकी परिक्रमा करता था। अपनी माँ को देखता था वो बैठे हुए तो उसे अच्छा नहीं लगता था। वो बार बार अपने सींगों से अपनी माँ को मारता था कि तुम उठ जाओ, उठकर खड़ी हो जाओ। जब उसकी माँ उठकर खड़े हो जाए तो वो अपनी माँ के आसपास परिक्रमा लगाता, परिक्रमा अर्थात अपनी माँ के पास आजू बाजू घूमने लगता, खेलने कूदने लगता। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पास बैठकर खूब प्यार से खेलता है, उसी प्रकार से वह भी अपनी माँ के आसपास खेलने लगता। उसे भी अपनी माँ की इस प्रकार ये हालत है वो उसे कुछ पता नहीं थी, कुछ उसे उसके बारे में पता नहीं था। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैंने बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी पाले हैं, लेकिन उन्हें भी असमय या कभी समय, कभी वो बीमार हो जाते, कभी उनका समय पूरा हो जाता, तो मैंने ऐसे बहुत से पशु पक्षियों की विदा की है अर्थात उनकी मृत्यु को देखा है, लेकिन ऐसा दुखदायी, ऐसा मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं था। ऐसी मर्म व्यथा अर्थात इतना दुखदायी, इतना पीड़ा देने वाला जो स्मरण नहीं है, जो उसे याद नहीं था कि इतनी हृष्टपुष्ट, इतनी सुंदर गाय, इतनी स्वस्थ गाय, इतनी अच्छी दूध देने वाली, इतनी उज्जवल पयस्विनी गाय, पयस्विनी अर्थात दूध पिलाने वाली गाय, इतनी सुंदर, इतनी चंचल, एक इतने सुंदर बच्चे को जन्म देने वाली एक ही क्षण में निर्जीव और निचेष्ट हो जाएगी, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। नीचे निश्चेष्ट का मतलब होता है कभी भी हमारे बीच से जाने वाला व्यक्ति, तो कभी भी वो हमारे बीच से चली जा सकती है, कभी भी वो स्थिर हो सकती है। यह सोचकर महादेवी वर्मा की आंखों में आंसू आ जाते थे। महादेवी ने अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न किए, उन्होंने लखनऊ, कानपुर आदि जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, पशु चिकित्सक, उन्हें बुलाकर उन्हें ऐसे विशेष जो बहुत पशु पक्षी के विषय में जानकार थे उन्हें बुलाकर उन्होंने गाय को दिखवाया, गौरा गाय को दिखवाया, लेकिन किसी भी प्रकार की आशा की किरणें दिखाई नहीं दी। गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली, यानी कि उसकी आंखों में कैसी हो गई, एकदम प्रवाह ही, जो उसके आंखों में जो प्रवाह दिखाई, जो इतनी सुंदर दिखाई देती थी, अब धीमे 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 वह आँखें बंद होने लगी। सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, अब उसे जो सेव का रस दिया जाता था वो भी उसके गले में रुकने लगा, कंठ अर्थात गला, गले में रुकने लगा। उसमें बेचैनी बढ़ने लगी क्योंकि अब उसका अंतिम समय निकट आ गया था। अब मेरी यह इच्छा थी कि उसके अंत समय में मैं उसके पास ही उपस्थित रहूं। अब महादेवी वर्मा किसी काम के लिए बाहर नहीं जाती थी, उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी जो गोरा गाय है वो कभी भी मर सकती है, तो इस वजह से वह कहीं पर भी जाना आना उन्होंने बंद कर दिया और वह अत्यधिक समय अपनी गौरा गाय के साथ निकालने लगी। दिन में भी उसके पास रहती, बार बार उसके पास जाती, रात के समय भी कई बार वह उठ उठ कर अपनी गौरा गाय को देखती, उसके सर पर हाथ घुमाती, इस तरह से वे अपनी गाय के पास ही रहने लगी। अंत में एक दिन प्रातःकाल सुबह के समय, प्रातःकाल अर्थात सुबह के समय 4 बजे गौरा को देखने गई तो गौरा जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, जैसे वो सुबह 4 बजे उठकर गौरा गाय को देखने गई और उसके सर पर जैसे ही हाथ घुमाया, वैसे ही महादेवी वर्मा ने उसके सर पर हाथ घुमाया, वैसे ही गाय ने अपना सर उनके कंधे पर रखा और वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसी भारी हो गई। जैसे ही उसने सर उनके माथे पर, सर पर, कंधे पर रखा, वैसे ही उसने अपने प्राणों को त्याग दिया और उसका सर इतना भारी हो गया
कि अचानक मेरी बाँह से उतरकर उसका सर धरती पर गिर गया। गौरा की स्थाई विदाई के समय सब व्यथित हो उठे, सब लोग दुखी हो गए कि अरे अचानक गाय कैसे मर सकती, सभी लोग, क्योंकि सभी को उसके प्रति बहुत ज़्यादा मोह था, सभी उससे बहुत आकर्षित थे, सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे, तो जब व्यथित हो उठे। परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछल कूद कर रहा था, पर उसके जो बच्चा था लालमणि, जो उसका पुत्र था, उसे यह भी नहीं पता था कि मेरी माँ मर चुकी है। और फिर भी वह अपनी माँ के आसपास, जब माँ उसकी मरी पड़ी थी उसके आसपास वो उछल कूद कर रहा था। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके, दीर्घ निश्वास अर्थात माँ देवी वर्मा कह रही कि इतनी लंबी जो मेरे साथ जो घटना घटी है, अगर इसका शब्दों में बयान हो सके तो मैं इसको उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि कहूँगी। आह मेरा गोपालक देश, मेरा गोपालक देश अर्थात ऐसा है मेरा गौ पालने वाला देश, गाय पालने वाला देश। आपको मैं इसके आगे की थोड़ी सी कहानी और सुनाऊंगी, क्योंकि ये अधूरी कहानी है, इसे मैं अभी पूरी करती हूँ। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया गया है कि गौरा गाय मर जाती है, लेकिन गौरा गाय कैसे मरती है इसके विषय में आपको नहीं पता है, क्योंकि यह मैंने पढ़ी हुई बुक है, हमने देखी इसे। तो ये गाय कैसे मरती है पता है आपको? जो ग्वाला इनके यहाँ पर दूध देने आता था, आपको पता है ना, जो ग्वाला इनके यहाँ दूध, गाय का दूध निकालने आता था, तो वो जो ग्वाला था उसी ने इसे, जो गौरा गाय थी उसे सुई में डाल के, जो दाना पाना देते हैं उसमें सुई डाल दी थी। क्यों? क्योंकि उसे जलन हो रही थी कि पहले मेरे पास से इतना सारा ये लोग दूध लिया करते थे, अब गौरा गाय आने से इन्होंने हमारे पास से दूध लेना बंद कर दिया है। इसीलिए वो जो ग्वाला था वो चिढ़ गया था, और उस ग्वाले ने ही इस जो गाय थी इनकी, गौरा गाय, उस गाय को उसी ने सुई दी थी, चारे में मिला दी थी, जिससे वो गाय ने खा ली और गौरा गाय को वहाँ पर चुभने लगी। उसने उसके सिर्फ जलन थी कि इतना सारा दूध देती है ये गाय और इन लोगों ने हमारे पास से दूध लेना बंद कर दिया। बस इसी जलन से उस व्यक्ति ने इस गाय को मार डाला, और यह बात का बाद में पता चलता है, जिससे वह महादेवी वर्मा से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन महादेवी वर्मा के मुँह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, आह मेरा गोपालक देश, मेरा गौपालक देश। देखिए ये हमारा गौपालक देश यानी गाय को पालने वाला देश कैसा है। एक ग्वाला ने एक अच्छी सी, एक हृष्ट पृष्ट, एक सबको, सबका लालन पोषण करने वाली जो गाय थी, उसको उसने जलन की वजह से, अपने पास जो दूध ना लेते हैं इस जलन की वजह से उसने उस गाय को मार डाला। उस गौरा गाय को उसने एक माता को अपने पुत्र से अलग कर दिया था, उसके अलावा जो पशु पक्षी उसके वहाँ रहते थे सभी पेट भर कर दूध पीते थे, सभी को उसने अलग कर दिया। और जो वहाँ पर और भी जो व्यक्ति थे, जैसे महादेवी वर्मा और उनके जो नौकर चाकर, सभी उसके प्रति एकदम मानव की तरह व्यवहार करते थे, उसे इतना प्रेम करते थे, सभी को दुख सिर्फ ग्वाला ने दिया, सिर्फ एक ही जलन से कि हमारे यहाँ से इन लोगों ने दूध लेना बंद कर दिया, इनके यहाँ पर ये वाली गाय गई तब से इन्होंने दूध लेना बंद कर दिया, इस वजह से इन्होंने उस गाय को मार डाला था। यहाँ पर हमारा यह लेसन पूरा होता है। आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा यह मुझे पता है, ठीक है ना। अब आगे का जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तभी के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।